और बड़ी खबर है, आज एक देश एक चुनाव कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। कोविड कमेटी आज राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे के करीब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज 11 बजे के करीब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ पता चल पाया है इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, जो एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, वो कमेटी जो है आज 11 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और पूरे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी है और साथ ही साथ सुभाष कश्यप है, हरीश सालवे, पूरे कमेटी के मेंबर्स रहेंगे और ये रिपोर्ट सौंपेंगे। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि करीब 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कि 8 वॉल्यूम्स में है। यानी कि इस कमेटी ने पूरा अध्ययन किया है, अलग अलग तबके जो भी स्टेक होल्डर्स है, पोलिटिकल पार्टीज हो या जो आम जनता, सबसे राय ली है, चुनाव आयोग से भी राय ली है, इसके साथ साथ जो लॉ कमीशन है उससे भी रिपोर्ट राय ली है। तो एक बृहद प्रारूप तैयार किया है और अपने रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में दिए। माना जा रहा है कमेटी ने सजेस्ट किया है कि वन एक देश एक चुनाव जो है देश के हित में है और जीडीपी और तमाम जो खर्चे हैं उसको कम करने में मदद करेगा, लेकिन हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और क्योंकि जनता से जो राय मांगी तो उसमें 80% से ज्यादा जनता ने एक देश एक चुनाव के फेवर में अपनी राय दी थी। तो ये कमेटी अपनी तमाम जो राय है उसमें एक रिपोर्ट की शक्ल में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और 11 बजे करीब राष्ट्रपति को सौंपेगी। शुक्रिया आपका आनंद पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज एक देश एक चुनाव को लेकर के रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर कहा गया है कि कई लोगों से रिएक्शन लिया गया, जनता से भी रिएक्शन लिया गया है कि क्या वो भी चाहते हैं देश में एक ही चुनाव हो। और दो चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए प्रधानमंत्री आज चयन समिति के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक आज 12 बजे होनी है। 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 14 फरवरी को एक और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। इन दो रिक्तियों की वजह से अभी अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही लोकसभा चुनाव की तैयारी को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, इसको देखते हुए भी दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जरूरी मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में चयन समिति दो नाम तय करेगी। बैठक के लिए पीएम ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी नामित किया है। इसके अलावा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन बैठक में शामिल होंगे। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति पर मोहर लगाएंगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने दो रिक्तियों को भरने के लिए बैठक की। इसमें 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है, जिसमें से चयन समिति दो नाम तय करेगी। नए कानून के मुताबिक 3 सदस्य चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने की शक्ति देता है जिसे खोज समिति ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है।